हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग अलंग गए थे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो भी मैंने आपको दिखाया, और हमने वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की वो भी आपने देखा। इस पार्ट में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ से परचेज़ की है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का स्विंग हमारे रिलेटिव ने लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 4 फैमिली वहाँ पे गए थे, तो सब ने अलग अलग अपनी चॉइस के हिसाब से फर्नीचर और चीज़ें ली हुई है। तो उन्होंने ये स्विंग लिया है, ये देखिए काफ़ी हैवी मटेरियल है इसका, हैवी मेटल में ये है, और इसके ऊपर इस तरह की स्पाइरल बाइंडिंग की हुई है, और इसके साथ ये स्विंग का जो कुशन है वो भी इसके साथ में आया है, और ये स्विंग हमें 9000 में पड़ा है। काफ़ी अच्छा स्विंग है ये, मजबूती भी इसकी काफ़ी अच्छी है और मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है। उन्होंने इस तरह का कॉर्नर सोफ़ा लिया है, पूरा ग्रे कलर में ये सोफ़ा है, ये कस्टमाइज करवाया हुआ है, एक सीट एक्स्ट्रा इन्होंने करवाई है। तो इस तरह का कॉर्नर सोफ़ा सेट था वहाँ पे, तो सेम इसी पैटर्न में ये इन्होंने ग्रे कलर का सोफ़ा करवाया है, पूरा ग्रे कलर का, और जो साइड पे इसके आर्मरेस्ट पे जो वुडन फिनिश है वो इनको नहीं चाहिए थी तो वो उन्होंने हटवा दी है, और इस तरह से उन्होंने ये एक चेयर जो एक्स्ट्रा करवा के 6 सीटर सोफ़ा बनवाया है। ये 2 स्टूल एक्स्ट्रा बेड के साथ लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा ग्रे कलर में सोफ़ा सेट है, जिसकी कीमत है 13000। तो पूरा सेट हमें 13000 में मिला है। इसके साथ इन्होंने इस तरह का जो बेड है वो लिया है, किंग साइज बेड है ये, ये देखिए इस तरह से ये बेड है, पूरा ग्रे कलर में है और लेदर फिनिश में है पूरा। इसमें और भी 2-3 कलर अवेलेबल थे वहाँ पे। तो इस तरह का ये बेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, लुक भी इसका काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ में इस तरह का लेदर का कपड़ा दिया हुआ है, और ये जो बेड है वो 9000 में मिला है, काफ़ी चीप रेट में ये मिला है, और इसकी रेट के हिसाब से क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें स्टोरेज नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है, वरना ये बेड बहुत ही अच्छा है। इसके साथ जो स्टूल लिए हैं वो 1800 में सेट ऑफ 2 स्टूल मिले हैं। मेरे दूसरे रिलेटिव ने इस तरह का 3+3+2 में सोफ़ा सेट कस्टमाइज करवाया है। ये देखिए इस तरह का जो सोफ़ा सेट वहाँ पे था, सेम पैटर्न में सेम कलर में उन्होंने 3+3+2 में ये कस्टमाइज करवाया है। देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है, उन्होंने इस तरह से बना के हमको पिक सेंड की थी, देखिए इस तरह से है ये। ये देखिए सोफ़ा घर पे आ गया है और यहाँ पे इस तरह से रखा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, लाइट कलर है ये। इसकी आर्म रेस्ट पे इस तरह की ये जो वुडन फिनिश है वो दी हुई है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये बैक साइड पे जो है वो लाइट ग्रे कलर का कपड़ा है, और ये जूट मटेरियल टाइप का ये कपड़ा है, और इसकी सीट पे जो कपड़ा है वो थोड़ा वेलवेट टाइप का कपड़ा है ये वाला, ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा है। ये 3 सीटर सोफ़ा है, इस तरह से 3 सीटर डो लिए है और एक 2 सीटर लिया है, ये देखिए ये 2 सीटर सोफ़ा है, सेम क्वालिटी सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न में 3+3+2 का ये सेट है, और ये पूरा सेट हमें 18000 में मिला है। अब मैं दिखाता हूँ कि हमने वहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की है। ये देखिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ से ली है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे हमने डोरमेट लिए हैं वहाँ से, ये देखिए ये पहला डोरमेट है। सारे डोरमेट वेट के हिसाब से वहाँ पे मिल रहे थे, 250 रुपीज़ केजी के हिसाब से ये सारे जो डोरमेट है वो हमने वहाँ से लिए हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है इसका, ग्रे कलर में है ये, और सेम डिज़ाइन पैटर्न में ये दूसरा वाला लाइट पिस्ता कलर में है, ये बहुत ही अच्छा है। ये 1 केजी के अंदर था तो हमें
200 रुपीज़ में मिल गया था, तो 100 रुपीज़ का ये हमें एक मिला है। ये देखिए इस तरह से ये छोटा सा, सारे जो डोरमेट है उसमें से सबसे फेवरेट मेरा यही है। बहुत ही अच्छा है कलर इसका और डिज़ाइन भी इसकी बहुत ही प्यारी है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मटेरियल है इसका। तो इस तरह के हमने 8 डोरमेट लिए हुए हैं। सारे डोरमेट मैंने कुशन बनाने के पर्पस से परचेस की है। देखिए सारे कुछ जो डोरमेट है उसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। पीछे की तरफ इस तरह का रबर का मटेरियल दिया हुआ है। सारे जो 8 यहाँ पे डोरमेट मैं दिखा रहा हूँ वो पूरे एक ही जगह से हमने सारे लिए हुए हैं। तो सारे 8 डोरमेट को मिला के इसका जो वेट था वो 2.25 केजी के आसपास हुआ था। तो ये हमें 550 में हमें ये मिल गए थे। ये देखिए ये वाला बहुत ही प्यारा है, इसका कलर और इसकी प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से 8 हमने डोरमेट लिए है वहाँ से। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, कलर और पैटर्न भी इसकी काफ़ी प्यारी है। ये सारे कुछ जो डोरमेट है वो मैंने कुशन बनाने के पर्पस से परचेस किए हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इससे किस तरह से कुशन बनाता हूँ। ये देखिए मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, कलर और पैटर्न भी इसके बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए ये ब्लैक वाइट और ग्रे फिनिश में है। ये डोरमेट की काफ़ी यूज वैरायटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। जितना लाइट वेट आप सिलेक्ट करोगे उतना ही चीप रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो 8 डोरमेट है वो जितने हो सके उतने लाइट वेट में मैंने लिए हैं ताकि कम रेट में मुझे ये मिल जाए। ये देखिए काफ़ी अच्छे हैं सारे, ये ऑरेंज और आइवरी कलर में है। ये बोहेमियन कुशन इसका बहुत ही प्यारा बनेगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये सारे मिल गए थे। ये देखिए डार्क ब्लू और वाइट कलर में है। पैटर्न देखिए आपकी इसकी कितनी प्यारी पैटर्न है ये। तो ये 8 डोरमेट हमने वहाँ से लिए हैं और ये वाला एक रग मैंने वहाँ से लिया है। ये देखिए लाइट ग्रीन या फिर ये लाइट पिस्ता कलर में है। ये देखिए 4x2 फीट का ये रग है। इसके दोनों तरफ में इस तरह के टैसल दिए हुए हैं, पूरा कॉटन थ्रेड से बना हुआ है। ये मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है। 150 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिल रहा था और 1 केजी ये हुआ था, तो 150 की जगह मैंने 100 रुपीज़ में ये लिया है। बहुत ही प्यारा है ये। और हमने वहाँ से इस तरह का एक जो ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट हमने वहाँ से लिया है पूरा। ये देखिए इस तरह का मटेरियल है, ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, ये पूरा फर टाइप का ये मटेरियल है। 2.5 केजी इसका वेट है। तो 250 रुपीज़ केजी के हिसाब से ये 600 में मुझे मिला है। ये देखिए डबल बेड साइज का ये ब्लैंकेट है। ये देखिए पूरा ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर में ये है। मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, वेट इसका थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ये थोड़ा महंगा पड़ा था, लेकिन फिर भी 600 में ये काफ़ी अच्छी डील है। तो इस तरह का एक ब्लैंकेट हमने वहाँ से लिया है। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, डबल साइज का ये है। अ
अब हमने वहाँ से जो कर्टेन लिए हैं वो कर्टेन में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पे कर्टेन भी आपको वेट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो ये पहला सेट ऑफ टू का कर्टेन है, ये देखिए इस तरह से लाइट बर्ज कलर में है ये, और इसके साथ ये कॉटन थ्रेड के टेसल दिए हुए हैं। मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, जितने भी ये जो कर्टेन है वो सारे कर्टेन प्योर कॉटन में है, 100% कॉटन का ये कपड़ा है और काफ़ी मुलायम और एकदम सॉफ्ट मटेरियल है ये। ये देखिए तो टू पीस में ये कर्टेन हमने वहाँ से परचेज किए हैं। इसका वेट 1.50 केजी के हिसाब से हुआ था, 1.50 केजी। तो 2.50 रुपीज़ केजी के हिसाब से ये 375 रुपीज़ में दो पीस हमें वहाँ से मिले थे, तो काफ़ी चीप रेट में हमें ये वहाँ से मिल गए। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और टेसल इस पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए, अगर आप बोहेमियन स्टाइल का कुछ मेकओवर कर रहे हैं, बेडरूम मेकओवर, तो इस तरह का कर्टेन उसमें बहुत ही प्यारा लगेगा। 7 फीट में ये सारे कर्टेन हैं, ये देखिए टेसल इस पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये 375 रुपीज़ में सेट ऑफ टू मिले हैं। अब ये वाला जो कर्टेन है वो सिंगल पीस में था, दूसरा हमें वहाँ पे नहीं मिला, लेकिन बहुत प्यारा था तो हमने ये सिंगल पीस भी वहाँ से ले लिया। इसका वेट 750 ग्राम का हुआ था, यानी कि 1 केजी में, 1 केजी के अंदर ही था ये। तो 180 रुपीज़ में हमें ये मिलना है। ये भी पूरा कॉटन कपड़ा है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, ये एकदम हैवी कॉटन में सारे कर्टेन हैं। इस पर इस तरह के टेसल बने हुए हैं और ऊपर की तरफ इस तरह की पैटर्न डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई है। बहुत ही प्यारा कर्टेन है ये, ये देखिए इस तरह से, लेकिन ये सिंगल पीस हमें मिला था तो हमने वो भी ले लिया क्योंकि बहुत ही प्यारा था। अब मेरी सिस्टर ने इस तरह के कर्टेन वहाँ से लिए हैं, ग्रे और आइवरी कलर में है ये। ये देखिए सेट ऑफ टू है ये। इसका वेट भी सेम है, 150 केजी के आसपास ही था और 375 रुपीज़ में ये दोनों कर्टेन हमें वहाँ से मिले हैं। कपड़ा इसका भी पूरा प्योर कॉटन कपड़ा है ये, नीचे की तरफ इस तरह से ये टेसल लिए हुए हैं। ये देखिए इस तरह का ये कर्टेन है, सेट ऑफ टू में ये लिया है हमने। अब ये हमारे सबसे फेवरेट कर्टेन है, ये देखिए कलर देखिए इसका और प्रिंट, कितनी प्यारी प्रिंट है ये। तो इस तरह के 3 कर्टेन हमने लिए हैं, 2 कर्टेन मैंने लिए हैं और 1 कर्टेन मेरी सिस्टर ने लिया है। उसको भी 2 कर्टेन चाहिए थे लेकिन ये सिर्फ 3 ही थे, तो 2 की पैर में हमने लिया है और ये सिंगल पीस एक जो था वो मेरी सिस्टर ने लिया है। अगेन इसका कपड़ा जो है वो पूरा कॉटन है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है और प्रिंट भी इसकी काफ़ी प्यारी है। ये कर्टेन भी 1.50 केजी के आसपास हुए थे, तो ये जो 2 पीस है वो भी हमें 375 में 2 पीस मिल गए हैं। और ये जो सिंगल था वो सिंगल कर्टन हमें 180 में मिला है। इस तरह की जो बेडशीट है वो हमने वहाँ से परचेज़ की है, ये देखिए बहुत ही प्यारी बेडशीट है, ये डबल बेड की बेडशीट है। ये देखिए इसकी चारों तरफ इस तरह से टेसल लिए हुए हैं और इस तरह की उस पर डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है ये। ये भी 250 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिल रही थी। इसका वेट 2 केजी से थोड़ा सा कम था, 200 ग्राम इसमें कम था।
यानी कि आप 2 kg ही मान लीजिए, 2 kg इसका वेट था, तो ये जो बेडशीट है वो 450 rupees में हमने वहाँ से परचेज़ की है। ये देखिए इस तरह से टेसल बने हुए हैं, ये मल्टीपर्पज़ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बेडशीट की तरह भी आप बिछा सकते हैं या फिर सोफ़ा थ्रो या फिर बेड थ्रो की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 2 wooden trays हमने वहाँ से ली हुई है, ये 150 rupees kg के हिसाब से मिल रही थी, तो ये दोनों जो ट्रे है वो 200 में हमको वहाँ से मिली थी, यानी कि 100 rupees ईच हमें वहाँ से मिली थी। ये इस तरह का एक बास्केट भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको भी ले लेते हैं, इसमें प्लांटर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये सिर्फ 20 rupees में उन्होंने हमें दे दिया था, तो ये भी मैंने ले लिया। इस तरह की एक ट्रे वहाँ पे थी, 250 rupees kg के हिसाब से ये थी, काफ़ी हैवी है ये, इसका जो स्टील है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ी ट्रे है ये। कुछ DIY करने के हिसाब से मैंने ये वहाँ से परचेज कर ली थी। ये जो ट्रे है वो हमें 250 के आसपास में ये मिल गई थी, 250 rupees में ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी भी है ये। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।